मीठा खाना ठंडा दिन में ही अच्छा लगता है। और अगर आप बंगाली हैं और आपने अगर ठंडा में पीठा नहीं बनाया तो क्या बनाया, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बंगाल की फेमस चितोई पीठा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, कम इंग्रेडिएंट में बन जाते हैं। बस चावल को भिगाइए, ग्राइंड करिए और पीठा बनाइए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे चावल ली हूँ। तो मैं यहाँ पे ली हूँ 1 कप अरवा चावल और 1 कप उसना चावल, यानी कि जिस चावल से हम लोग भात बनाते हैं वो चावल ली हूँ मैं 1 कप, और साथ ही मैं अरवा चावल जो इडली डोसा बनाने में यूज होता है उस चावल को, ये दोनों चावल को मिक्स करके ओवरनाइट भिगा देंगे। तो ये दोनों चावल को मैं भिगा के ले ली हूँ, आप देख सकते हैं इसे मैंने रात भर भिगो के रखा था और ये अच्छे से भीग गए हैं, आप देख सकते हैं ये फूल गए हैं अच्छे से। इसको अच्छे से 3-4 बार धो के इसका पानी हम लोग छान लेंगे। तो ये देखिए मैं इसका पानी निकाल के ले ली हूँ और इसको एक स्ट्रेनर में रख दी हूँ ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम लोग इसको पीसेंगे। तो पीसने के लिए मैं यहाँ पर ग्राइंडिंग जार ली हूँ, चावल को इसमें निकाल लेंगे। चावल को डाल लेने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसका पेस्ट बन सके अच्छे से। पानी डाल के इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए मैं इसका स्मूथ पेस्ट बना ली हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकना सा पेस्ट बना है। और इसी तरह से सारे चावल का पेस्ट बना लेंगे, इसको इस तरह से निकाल लेंगे एक पतीले में और सारे चावल का पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए मैं सारे चावल का पेस्ट बना ली हूँ, इसको इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसको इस तरह से थोड़ा सा विस्क करेंगे और इसका कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा थिक रखेंगे और ना ही ज़्यादा थिन रखेंगे, इस तरह से पूरिंग कंसिस्टेंसी का रखेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से विस्क करेंगे ताकि इसका जो बैटर है थोड़ा सा फूल जाए। अब इसको कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। 5-7 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हमने रेस्ट दिया तो इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक हो गई है। हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर को बिल्कुल परफेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक और इसको मिक्स करेंगे। नमक डालने से कोई भी चीज़ में थोड़ा सा पानी छोड़ती है, तो इसलिए पहले हम लोग नमक डाल के थोड़ा मिक्स करेंगे, इसके बाद हम लोग पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे गरम पानी डाल रही हूँ, 1/4 कप के करीब गरम पानी डाल रही हूँ। गरम पानी डाल के मिक्स करने से हम लोग का जो पीठा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम लोग का जो बैटर है वो पीठा बनाने के लिए परफेक्ट है, अब हम लोग इसको पीठा बनाएंगे। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में मैं पहले से ही चितोई पीठा बनाने का जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको मैंने गर्म करके रखा है। चितोई पीठा ऐसे ही बर्तन में परफेक्ट बन के तैयार होती है और ये बर्तन मार्केट में ठंडा के सीजन में बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। तो इस बर्तन को मैं पहले से गर्म करके रखी हूँ, इसको कपड़ा से पोंछ के इस तरह से थोड़ा सा बैटर इसमें डालेंगे जो हमने बना के रखा है। उसके बाद इसके साथ जो ढक्कन मिलता है इसको इस तरह से ढक देंगे और ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि ये जो पीठा है वो भाप से ही बनके तैयार होती है और ना ही इसमें कोई तेल यूज होता है और ना ही कोई और चीज यूज होता है। उसके बाद भाप निकल ना जाए इसके लिए इस तरह से एक अच्छा कपड़ा, कॉटन का कपड़ा जो है उसको गीला करके इसके चारों तरफ इस तरह से रख देंगे ताकि उसका जो स्टीम है वो अंदर में ही रहे। अच्छे से पीठा को कवर कर लेने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। 1-1.5 मिनट में ये पीठा बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से कपड़ा को हटाएंगे, उसका ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हैं हम लोग का जो पीठा है बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके से फूली है। अगर ये पीठा फूले नहीं तो इसका मतलब ये जो पीठा है वो कच्चा होगा अंदर से। और इस तरह से बाकी पीठा को भी हम लोग बना लेंगे। ध्यान रखें कि जब भी पीठा बना रहे हैं तो कपड़े से तवा को अच्छे से पोंछ लें, नहीं तो वो चिपक सकती है। और इसी तरह से पीठा को बना लेंगे, कितना आसानी से पीठा बनके तैयार हो जाएंगे। ट्रेडिशनली यह पीठा मिट्टी के बर्तन में ही बनाई जाती है, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है या फिर नहीं मिल रहा है तो आप इसे एल्युमिनियम का जो कढ़ाई होता है उसमें भी बना सकते हैं। बस बनाने से पहले उसके नीचे थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लें, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक सकती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने सारे पीठा बना के तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। ट्रेडिशनली इस पीठा को गुड़ के साथ सर्व किया जाता है, जो बंगाल में खेजूर गुड़ मिलता है उसी गुड़ के साथ इसको सर्व किया जाता है। लेकिन आप चाहे तो इसे सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या तो दूध के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है।
तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें स्वाद।